रेंट ए कैब सर्विस, पहली बात ये समझना कि अगर कोई नॉन बॉडी कॉरपोरेट देती थी। अब यहाँ पर इस चीज़ को और मज़े की बात से समझना कि जब मैं तुम्हें बता रहा हूँ कि चेंजेस क्या हुए हैं और पता चला तुम्हें ओरिजिनली नहीं पता, पता चला तुम्हें कि ओरिजिनली तुम्हारे को नहीं पता, मैं तुम्हें चेंजेस बताऊंगा तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है। तो पहले तुम्हें ओरिजिनल भी पता होना चाहिए कि ओरिजिनल में पहले क्या था, बदलाव क्या हुआ। तो मैं पहले तुम्हें ओरिजिनल बता रहा हूँ कि ओरिजिनल में क्या था कि जो रेंट ए कैब की जो सर्विस थी, अगर कोई नॉन बॉडी कॉरपोरेट देता था, नॉन बॉडी कॉरपोरेट मतलब जैन ट्रेवलर्स, ठीक है, कपिल जैन ने अपना एक टूर एंड ट्रेवलर का काम खोला और उसने रेंट ए कैब की सर्विस दी, किसे दी, बॉडी कॉरपोरेट को दी, किसे दी, कंपनी को दी, ठीक है ना, किसने दी, कपिल जैन ने दी, नॉन बॉडी कॉरपोरेट ने दी किसे, बॉडी कॉरपोरेट को। तो उसमें ये कहा जाता था कि कपिल जैन हम तुमसे कोई टैक्स नहीं लेंगे, इसे रिवर्स चार्ज के अंदर टैक्स किया जाएगा, इसे रिवर्स चार्ज के अंदर टैक्स किया जाएगा, जो हमारा सेक्शन 9(3) के अंदर लिखा हुआ है। 9(3) की मैंने आपको जो हमारा फुल कोर्स कर रहे हैं उसमें मैंने वहाँ पर आपको पूरा डिटेल में बताया है कि अगर कोई नॉन बॉडी कॉरपोरेट किसी बॉडी कॉरपोरेट को रेंट ए कैब की सर्विस देगा तो उस पर RCM है। लेकिन जो बाकी लोग हैं, जो बाकी लोग हैं वो फॉरवर्ड चार्ज के अंदर आते हैं, ठीक है ना, रिवर्स चार्ज सिर्फ इसी एक ट्रांजेक्शन पर है, बाकी लोग आते हैं फॉरवर्ड चार्ज में। तो फॉरवर्ड चार्ज वालों के लिए दो रेट्स लिखे हुए हैं। तो मैंने पूछा दो रेट्स कौन कौन से, तो उन्होंने बोला जी हमारे पास दो रेट हैं, एक है 5% वाला और एक है 12% वाला। 5% उनके लिए है, 5%, ठीक है ना, 5% उनके लिए है फॉर ऑपरेटर हु चार्ज 5% GST व्हेन कॉस्ट ऑफ फ्यूल वाज इंक्लूडेड इन द प्राइस। अब यहाँ पर समस्या क्या होती थी, अब यहाँ पर ज़रा समस्या समझना कि समस्या क्या होती थी कि जो 5% वाले हैं, ठीक है, और जो 12% वाले हैं, वहाँ पर ITC को लेकर एक समस्या थी। समस्या मैं आपको बताता हूँ, लेट सपोज करो यहाँ पर कपिल जैन है, कपिल जैन मिस्टर ए, उसने एंगेज करा बी को कि भाई मुझे नई दिल्ली से जयपुर छोड़ दे, नई दिल्ली से जयपुर छोड़ दे, और मोटर कैब 1000 रुपये में मैंने बुक करी। मैंने किसे बोला कि भाई मुझे बी से मैंने बोला कि भाई मुझे दिल्ली से जयपुर छोड़ दे और 1000 रुपये ले लियो। अब बी ने क्या देखा, बी की सारी गाड़ियाँ फुल थी, बी ने कहा कोई गाड़ी ही नहीं है भाई खाली। तो बी ने क्या करा, बी ने ना सी को कॉन्टैक्ट करा, बी ने सी को कॉन्टैक्ट करा कि भाई तेरे पास कोई गाड़ी खाली है क्या। उसने कहा हाँ है ना मेरे पास गाड़ी खाली। उसने कहा भाई ये गाड़ी भेज दे। उसने कहा ठीक है मैं भेज देता हूँ। अब सी ने, ठीक है ना, सी ने वो गाड़ी भेज दी। तो अब यहाँ पर इस चीज़ को समझो, क्या बी ने कोई सी से सर्विस ली, क्या बी ने सी से सर्विस ली, बोलो क्या बी ने सी से सर्विस ली, बोलो जी हाँ, ये कह रहे हाँ, ये जितेंद्र जी कह रहे नहीं ली। क्यों नहीं ली भाई, बी के कहने पर ही तो, बी के कहने पर ही तो सी ने गाड़ी भेजी, ए को क्या मतलब, ए को तो कोई मतलब नहीं, ए को तो गाड़ी चाहिए थी दिल्ली से जयपुर जाने के लिए। अब ए को गाड़ी चाहिए थी दिल्ली से जयपुर जाने के लिए, उसने बी को बोला था, बी पे गाड़ियाँ नहीं थी तो बी ने सी से लेकर दे दी। अब सी ने इसके लिए बी से चार्ज करे कितने, 800 रुपये, और बी ने अपना प्रॉफिट ऐड करके कितने रुपये चार्ज करे, 1000 रुपये। अब इस ट्रांजेक्शन में जो सी चार्ज कर रहा है बी से, सी कह रहा है भाई मैं तो 12% पर GST पे करता हूँ, मेरा जो रेट है मैं तो 12% पे GST चार्ज करता हूँ। उसने कहा ठीक है। तो अब इसने कहा 800 रुपये पे 12% GST इसने चार्ज करा 96 रुपीज़, ठीक है ना, जिसमें CGST और SGST 48 रुपये थे। अब बताओ बी को इसका ITC मिलेगा या नहीं मिलेगा, बोलो बी को इसका ITC मिलेगा या नहीं मिलेगा, जल्दी जल्दी बोलो, फटाफट बोलो, हाँ जी इसका ITC मिलेगा, पूरे 96 रुपये का मिलेगा। ये संतोष चवन जी कह रहे नहीं मिलेगा। तो भाई अगर तुम्हारे बेसिक कंसेप्ट हिले हुए होंगे तो फिर अमेंडमेंट वाली क्लास ज़्यादा समझ नहीं आएगी। अभी मैं पहले बेसिक कंसेप्ट तुम्हें समझा रहा हूँ, तो उसमें भी गलत मत करो। क्यों नहीं मिलेगा भाई, बी को तो ITC मिलेगा ना, बी को तो यहाँ पर ITC मिलेगा, ठीक है। क्यों मिलेगा बी को ITC, क्योंकि इसने सी से सर्विस ली सेम लाइन ऑफ बिजनेस के लिए, बी से सर्विस ली सेम लाइन ऑफ बिजनेस के लिए।
अब उन्होंने क्या करा, जब बी से सर्विस ली सेम लाइन ऑफ बिजनेस की, तो अब इन्होंने बी ने आगे बिलिंग करी। अब बी ने आगे जो बिलिंग करी 1000 रुपये पे इसने लगाया 5%, 50 रुपये, 25 रुपये, ठीक है ना, मान लो 25 रुपये CGST, 25 रुपये SGST। अब मुद्दा क्या होता था यहाँ पर, ए वाला कहता था मेरे पास ITC बहुत ज़्यादा हो गया, ए वाला व्यक्ति कहता था मेरे पास ITC बहुत ज़्यादा हो गया, मैं इस ITC का क्या करूँ, क्योंकि वो जो सर्विस ले रहा है वो ले रहा है 12% की, वो जो सर्विस ले रहा है वो ले रहा है 12% की, और जो सर्विस दे रहा है वो दे रहा है 5% की। सर्विस ले रहा है 12% की, सर्विस दे रहा है 5% की, उस पर ITC बड़ा इकट्ठा हो जाता था। वो कहता था मैं क्या करूँ इस ITC का, वो उल्टे सीधे काम करता था। गवर्नमेंट ने कहा टेंशन मत ले, अब तू ऐसा करेगा, अब तू ना ITC ले ही नहीं पाएगा, अब तू ITC ले ही नहीं पाएगा जो तेरा ज़्यादा ITC है। तो यहाँ पर इन्होंने एक कंडीशन डाल दी, यहाँ पर इन्होंने एक कंडीशन डाल दी कि वेयर द सप्लायर ऑफ इनपुट सर्विस इन द सेम लाइन ऑफ बिजनेस, अगर जो सप्लायर है किस चीज़ का, इनपुट सर्विस का सेम लाइन ऑफ बिजनेस में, और वो एट ए रेट हायर देन 2.5% से ज़्यादा का क्रेडिट ले रहा है, तो वो 2.5% से ज़्यादा का क्रेडिट ले ही नहीं पाएगा। उसे 2.5% से ज़्यादा, 2.5% CGST, 2.5% SGST, तो मतलब वो 5% से ज़्यादा का उस वाली इनपुट पे ITC ले ही नहीं पाएगा। तो मतलब कि उसने जो इनपुट लिया है 800 रुपये का, 800 रुपये की उसने इनपुट सर्विस ली है, तो उस पर जो वो 20 रुपये CGST का ITC ले पाएगा 2.5%, और 20 रुपये SGST का ITC ले पाएगा 2.5%। पहले जो उसे 48 रुपये का ITC मिलता था, अब वो 48 रुपये का ITC ले ही नहीं पाएगा। गवर्नमेंट कह रही है क्योंकि जब तेरी सर्विस ही 5% में टैक्सेबल है, जब तेरी सर्विस ही 5% में टैक्सेबल है तो 12% का ITC ले क्यों रहे, ठीक है ना, जब तेरी सर्विस ही टैक्सेबल 5% में है तो 12% का ITC लेके करेगा क्या। तो इसलिए इसके ITC को यहाँ पर रिस्ट्रिक्ट कर दिया है, इसके ITC को रेस्ट्रिक्ट कर दिया है, ठीक है ना जी। चलो सर उसकी सर्विस 5 में क्यों है, अब इन्होंने कहा सर उसकी सर्विस 5 में क्यों है, इसके लिए तो पूरा डिटेल उसे स्टडी करना पड़ेगा रेंट ए कैब वाले के रेट्स को। वहाँ पर 2 रेट्स है, आज की क्लास में इतने ही डिस्कशन आपके साथ करूँगा कि एक का जो रेट है वो 5% और 12% है फॉरवर्ड में, ठीक है ना, तो वहाँ पर डिफाइन है। तो अगर वो यहाँ पर 12% की इनपुट लेगा और 5% का देगा तो उसे ITC सिर्फ 5% तक रिस्ट्रिक्ट हो जाएगा, ठीक है ना जी। क्लियर हो गया वाली, ये वाला चेंजेज क्लियर हो गया, हाँ ठीक है, हाँ जी। वो 12% का ITC ले रहा था, उसका इकट्ठा हो रहा था, ठीक है ना सर। रेंट ए कैब की सर्विस पे आप उसकी नोटिफिकेशन में जाके जितेंद्र भारती जी पढ़ सकते हो, रेंट ए कैब पर पूरा एक आर्टिकल पढ़ सकते हो, ठीक है ना जी। चलो क्लियर हो गई ये वाली चीज़, बोलो ये वाली अमेंडमेंट क्लियर हो गई, इस वाली अमेंडमेंट में कोई दिक्कत है, फटाफट से बोलो, फटाफट से बोलो ये वाली अमेंडमेंट में कोई दिक्कत है, अमेंडमेंट क्लियर हो गई, हाँ जी। तो अमेंडमेंट बहुत सिंपल थी, ठीक है ना, लेकिन अगर किसी को पहला लॉ नहीं पता तो वो अमेंडमेंट उसके लिए टेक्निकल हो जाएगी। तो रेंट ए कैब वाले के ITC को यहाँ झटका लगाए, ठीक है, उसका ITC रेस्ट्रिक्ट कर दिया, उसकी इनपुट सर्विस जो भी वो लेगा उसके 5% तक, ठीक है ना, क्लियर है। तो यहाँ पर इस चीज़ को समझना, देखो भाई एक ही बार में समझ लेना, रिपीट करना पॉसिबल नहीं है, कि अगर मान लो बी कोई, ठीक है ना, बी कोई रेंट ए कैब की सर्विस दे रहा है और सर्विस देने के लिए उसने सी से कोई सर्विस ली और बी पर जो GST रेट है वो 5% का है, बी पर जो GST रेट है वो 5% का है, तो वहाँ पर, ठीक है ना, वहाँ पर इस चीज़ को आपको समझना है कि उस वाले केसेस में, ठीक है ना, उसे जो ITC मिलेगा जो उसने इनपुट सर्विस ली है उसके सिर्फ 5% तक मिलेगा, उसके सिर्फ 5% तक मिलेगा, उसके बाद उस पर नहीं मिलेगा, सिर्फ 5% तक मिलेगा, ठीक है जी। तो ये वाली अमेंडमेंट बिल्कुल ताज़ा ताज़ा है, बिल्कुल ताज़ा ताज़ा,
ठीक है, आपने अभी ना पढ़ी होगी ना सुनी होगी, मेरे हिसाब से बहुत कम लोगों ने इसे पढ़ा। कितने लोगों ने पढ़ ली थी ये वाली अमेंडमेंट? कितने लोगों ने पहले पढ़ ली थी इस सेशन के होने से पहले? कितने लोगों ने पढ़ ली थी ये वाली अमेंडमेंट? हाँ हाँ, मोहम्मद आबिद कह रहे नहीं पढ़ी थी, हम तो सेशन का इंतज़ार कर रहे थे। ये तो अच्छा हुआ, ये नोटिफिकेशन दो दिन पहले आ गई। जो होता है ना अच्छे के लिए होता है। पिछले संडे वाला सेशन नहीं करा, ये वाला सेशन पिछले संडे होना था पहले नवरात्रे को, ठीक है ना, तो वो पोस्टपोन कर दिया हमने नेक्स्ट को, तो तुम्हें ये वाली चीज़ भी मिल गई।